दुनिया भर में फेफड़ों की कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अस्थमा, टीबी जैसी बीमारियां आम बात हो गई है। WHO के अध्ययन के अनुसार ये बीमारियां विश्व भर में मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में शामिल है। इसी की रोकथाम के लिए द ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 79वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जहां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 18 से 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन होना है। बता दें कि नेटकॉन 2024 की थीम प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन टू रेवोल्यूशनरी शिफ्ट पर है, जहां पर कॉन्फ्रेंस में देश भर से कहीं जाने माने डॉक्टर इसमें शामिल होंगे। अभी जानते हैं कि वर्तमान वातावरण में जो रेस्पिरेटरी डिजीज काफी विस्तार बढ़ रही है, और हम देखें तो सीओपीडी, एस्मा, लो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, ये ऐसी डिजीज है जो भारत में मृत्यु के 10 कारणों में से 3 कारण है। अगर 10 कारणों में जो मौतें होती है तो मुझे 3 होते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, जिनमें सीओपीडी भारत में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और ट्यूबरकुलोसिस 8वां, LRA 5वां। देखिए एक पूरा डिवीजन चला रखा है टीबी के, उसके बावजूद टीबी नियंत्रण में नहीं आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये कि लोगों में टीबी के प्रति जागरूकता का अभाव है, क्योंकि क्या होता है कि खांसी होती है उसको नॉर्मल लेते हैं वो, जो कभी कोई बोलता है स्मोकिंग से खांसी हुई, कोई बोलता है कोई जुकाम लगी, कोई बोलता है कोई लंबी खांसी को, वो लेकर वो डॉक्टरों को सलाह नहीं करते हैं। वो जब तक सलाह लेते हैं तब तक वो बहुत देर हो जाती है, वो डिजीज बहुत एडवांस हो जाती है। तो एडवांस डिजीज को काबू करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे आप कितनी अच्छी दवा हो, दवा एक बार एडवांस आपकी बीमारी होगी तो उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी वजह से टीबी के बीच जागरूकता फैलाने का हम प्रयास करेंगे चिकित्सकों के अंदर, और जिसके उसके चिकित्सकों में जागरूकता होगी तो मरीजों में जागरूकता होगी, तो मरीज जल्दी से